हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स तो आज हम आपके लिए लाए हैं ट्वेल्थ क्लास का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन ऑफ यू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इस वीडियो में हम यही पेपर आपसे डिस्कस करेंगे आप इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सो so, अगर हम इस पेपर की बात करें तो इस साल के पेपर की लेवल पिछले साल के पेपर से थोड़ी ऊपर आई थी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि पेपर टफ था मॉडरेट था या इजी था तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस पेपर में आपके चार थे टोटल टाइम आपको तीन घंटे मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में सेवेंटी होते हैं सबसे पहले यहां पर है जनरल इंस्ट्रक्शनज इसमें लिखा है कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है इसके अलावा मार्क्स भी यहां पर दिए गए हैं किस सेक्शन में कितने हैं सो so आप ये खुद पढ़ेंगे हम यहां पर सीधे आते हैं सेक्शन ए पर सेक्शन ए में यहां पर है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क था सो पहला क्वेश्चन यहां पर है सिलेक्ट द करेक्ट वन पहला पार्ट यहां पर है द मोलरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर इज इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 55.5 मोल दूसरा पार्ट यहां पर है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोल यूरिया वन मोल ग्लिकोज एंड वन मोल सोडियम क्लोराइड आर इन द रेशो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी उसके बाद तीसरा पार्ट है इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई फिर यहां पर है पार्ट फोर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हंड्रेड परसेंट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी उसके बाद यहां पर है पार्ट फाइव एमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद हाइस्ट डाइपोल मोमेंट इज इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए सी एच थ्री सी एल उसके बाद सिक्स पार्ट है फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म एट लो टेम्परेचर टू गिव इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो पैराब्रोमोफिनॉल फिर यहां पर है पार्ट सेवन स्ट्रांगेस्ट बेस इज इस, इसका मेरे हिसाब से आएगा ऑप्शन डी सो ये आप चेक करेंगे उसके बाद एटथ पार्ट यहां पर है के एम एन ओ फोर ऑन हीटिंग टू रेड हॉट गिवज इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए उसके बाद नाइन्थ पार्ट यहां पर है नाइट्रोजन बेस दैट इज फाउंड इन आर एन ए बट एबसेंट इन डी एन ए इज इस, इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए यूरासिल उसके बाद पार्ट टेन यहां पर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी वन काज इज द डिजीज इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी बेरी बेरी सो so, ये था सेक्शन ए अब यहाँ पर है सेक्शन बी इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन के दो दो मार्क्स हैं सो so आप ये देख ही सकते हैं मैं यहाँ पर ये स्लोली स्क्रॉल करूंगा सो so आप इसको पास करके देख ही सकते हैं सो so, अगर हम यहाँ पर इस पेपर को पिछले साल के पेपर से कंपेयर करेंगे तो लेवल इस साल डिफिकल्ट ही आई थी पिछले साल के कंपैरिजन में सो so इस साल स्कोर बहुत ही कम रहा बच्चों का नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपका कैसा पेपर गया उसके बाद यहां पर है सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें हर एक पार्ट के पांच पांच मार्क्स हैं सो फोर्थ क्वेश्चन में आपका यहां पर पहला पार्ट है डिफाइन मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी मोलैरिटी कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेलिन गईकोल इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग ट्वेंटी परसेंट ऑफ सी टू एस सिकस ओ टू बाई मास इसके साथ और डिफाइन एंड एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट विद इट उसके बाद पार्ट सेकंड इसमें है डिफाइन कोल हाउ डज इट हेल्प इन सो यहाँ पर आपके इसके दो पार्ट दिए गए हैं आपको इसी के मुताबिक इसको आंसर देना था इसके साथ और है वट आर फ्यूअल सेल्स डिस्क्राइब एस टू ओ टू फ्यूअल सेल उसके बाद तीसरा पार्ट है डिस्क्राइब दंग एस्टेरफिकेशन कैनिजारो रिएक्शन क्रासडॉल कंडन डिकार्बोक्लेशन इसके साथ और में पहला पार्ट है राइट फाइव मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्टिहाइडस बी पार्ट इसमें है हाउ आर अल्टिहाइड डिस्टिंग्विशेड फ्रॉम कीटोनस यूजिंग टॉलनज एंड फेलिंगस रिएजेंट्स गिव केमिकल रिएक्शनस। सो ये था आज का वीडियो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना